क्लासेस में। और आपको पता है आज बहुत बढ़िया दिन है, हमारा देश ने इतिहास रचा है आज। और आज के दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया है। उसके अलावा 750 गर्ल्स ने मिल करके, स्कूल गर्ल्स ने मिल करके एक सैटेलाइट बनाया है, और उसको एक नया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया है अंतरिक्ष में, जो सक्सेसफुली ऑर्बिट तक पहुंच चुका है। सो आज हम समझने वाले हैं कि वो कौन सा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और गर्ल्स ने जो सैटेलाइट बनाए वो क्या है। ठीक है, उनके साथ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी छोड़ा गया है। सो ये हिस्ट्री क्यों है हमारे लिए, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा काम क्यों कहा गया है। सो स्वागत करता हूँ आपका चैनल एके फिजिक्स क्लासेस में। सो इसरो मेड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फॉर अ स्मॉल सैटेलाइट एंड सक्सेसफुली लॉन्च टू सैटेलाइट, मतलब दो सैटेलाइट को लॉन्च भी कर दिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ खबर के मुताबिक कहा जाए तो इसरो ने लॉन्च किए हैं SSLV D1 का नाम रखा है, जो हमारे पास लॉन्च व्हीकल है उनका। देखिए सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ट्रक से नहीं लॉन्च कर सकते ना, उसको लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट को कहाँ तक, अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए, अर्थ के ऑर्बिट में ले जाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, रॉकेट चाहिए। तो रॉकेट का नाम है यहाँ पर SSLV। ठीक है, और ये कितने तरह के होते हैं ये भी देखेंगे। और इन्होंने इसमें क्या क्या भेजा गया है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट को भेजा गया, और जो स्टूडेंट द्वारा बनाया गया है सेटेलाइट जिसका नाम है आजादी सेट, मतलब हमारे देश के आजादी का 15वां साल, सॉरी 75 ईयर के खुशी में आजादी सेट को छोड़ा गया है अंतरिक्ष में, जिसके अंदर रेडियो ऑपरेटर में काम आने वाले, उसके अलावा जो है सो कुछ सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए चीजें को उसमें रखा गया है। और ये 37 धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से भेजा गया है। ठीक है, सो द थिंग इज हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या है और ये हिस्टोरिकल क्यों है। सो देखिए सबसे पहली बात है कि हम बताएंगे आप लोग के पास कि लॉन्च व्हीकल्स जो हमारे पास, लॉन्च व्हीकल्स हैं इंडिया में वो कितने टाइप के हैं। दो टाइप के हैं बच्चों, एक देखिए छोटा सा जैसे कि 1000 किलोग्राम तक का अगर प्रोडक्ट को हम लोग को अंतरिक्ष में भेजना है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं PSLV को। ठीक है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं, थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये भी PSLV ही है, इसको देख लीजिए, थोड़ा जूम करके देख दिए हैं। ठीक है, बाकी जो दूसरा हमारे पास है वो हार्ड है, इसके लिए जो है सो GSLV बोला जाता है इसको, जियो सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसको GSLV बोला जाता है और ये हमारा इंडिया का ही है। ठीक है ना, तो इंडिया का ही है हमारे पास GSLV, देख लीजिए। GSLV को इस तरह से छोड़ा जाता है आसमान में, आसमान मतलब अंतरिक्ष में। ठीक है, लेकिन SSLV क्या है हमको ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसी ने इतिहास रच दिया है। तो SSLV एक बहुत छोटा सा लॉन्च व्हीकल्स है, बहुत कम खर्च में बन जाता है। देखिए लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल इसको कहा गया है, बहुत छोटा लॉन्च व्हीकल्स है ये। इसके कारण से अगर हम लोग चाहें तो सप्ताह सप्ताह क्या कर सकते हैं, एक सप्ताह में एक बार जो है सो हम लोग रॉकेट से वहां पर सेंड कर सकते हैं। एक तरह का रॉकेट इसका नाम दिया गया SSLV। ठीक है, स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो अगर हम लोग चाहें तो एक सप्ताह में एक सेटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, और हमारे बजट पर असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा बहुत कम लगता है, बहुत लो कॉस्ट होता है। पहले क्या होता था, अगर 900 kg का सेटेलाइट को छोड़ना है तो भी PSLV बनाइए, अगर 300 kg का छोड़ना है तो भी PSLV बनाइए। लेकिन अब PSLV का क्षमता 500 किलोग्राम तक का है, मतलब अगर 300 का, 200 का, 400 का, 500 तक का अगर सेटेलाइट वजन है तो इसको सेंड किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ SSLV। ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आप कहिएगा सर सप्ताह भर में भेजने के लिए हमारे पास क्या उतना उतना सेटेलाइट बनेगा, तो देखिए इसको तैयार किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 72 आवर्स में, 72 आवर्स में। इसको वहां पर सेंड करने के लिए मैन पावर कम लगेगा। पहले क्या होता था, PSLV को अगर सेंड करना है तो उसको डेटा को मिलाना पड़ता था, मिलाने के लिए 60 साइंटिस्ट को काम करना पड़ता था,
60 साइंटिस्ट को, लेकिन जस्ट इसका 10% 6 लोगों ने मिलकर के, 6 वैज्ञानिक ने मिलकर के इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब पीएसएलवी में सोचिए, जहां पर 60 लोगों को काम अपना जो है सो चेंज करना पड़ता था और 60 लोगों को इस काम में लगना पड़ता था, लेकिन अगर ये है तो 6 लोगों के द्वारा ये भेजा जा सकता है। ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेस कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम, इसका जो सारा सिस्टम है सब सिस्टम वो देखिए लेस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए हमारे पास यहाँ पर है यूजेज ऑफ हेरिटेज सिस्टम, इसका यूज भी किया जा सकता है, इवन बहुत सारा इसका जो है सो प्रॉफिट है हमारे पास। कहिएगा सर इंडिया में इतना सेटेलाइट बनता है, जरूर जरूर कभी न कभी तो जरूर बनेगा, इतना इतना सेटेलाइट नहीं बनेगा ऐसी बात है नहीं, लेकिन इसका यूज किया जा सकता है अब्रॉड के साथ भी। जैसे जो जो कंट्री के पास अपना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो क्या करेंगे, इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहेंगे कि मेरे सेटेलाइट को वहां तक भेज दीजिए, इसके लिए इतना करोड़ रुपए हम आपको देंगे। तो क्या हुआ, एक तरह से क्या हुआ हमारे पास, सोचने वाली बात है, एक तरह से हुआ हमारे पास यहाँ पर कमर्शियल काम हो गया। क्या हो गया, कमर्शियल कह सकते हैं हम लोग, इससे क्या हुआ कुछ मनी आने लगा, पैसा आने लगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से पूरा वर्ल्ड में पहली बार बनाया गया है। ठीक है ना, एसएसएलवी स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया में बनाया गया है, और इसके लिए जो हमारा इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चीफ है उनको मैं बहुत बहुत आभार, मतलब धन्यवाद, इतना बड़ा काम किया हम उनका तो बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। आप इंडिया के लिए बहुत इवेंट बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है प्यारे बच्चों साथियों, अगर आप हमसे बड़े हैं तो क्षमा कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे काम है इंडिया में जो क्या करता है, जो आप लोग को एक राष्ट्रभक्त बनाता है। इवन सबसे बड़ा काम है बेरोजगारी दूर करना। ठीक है, उसके बाद वो दूसरा काम है हमारे पास यहाँ पर, जो भी उसके पैरेलल ही है, सबसे बड़ा काम के ही बराबर है, हमारा देश का सुरक्षा। तीसरा है हमारे देश का आगे बढ़ना। देखिए हमारी मिट्टी ने हमें पैदा किया, हमें भरोसा है कि हमें मिट्टी को ने हमें पैदा किया है, हमें 20 साल तक सींचा है, अब हम जो कुछ करेंगे वो अपने मिट्टी के लिए करेंगे, अपने सरजमी के लिए करेंगे, और ये तिरंगा आसमान में फहरेगा। और वही हाल है आज देखिए, पूरा वर्ल्ड में सबसे पहले बनाया गया है एसएसएलवी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एसएसएलवी में दो तरह के सैटेलाइट को छोड़ा गया, दोनों क्या क्या है और दोनों के अंदर क्या क्या है। ठीक है, सो इनसाइड एसएसएलवी, व्हाट इज इनसाइड एसएसएलवी, एसएसएलवी के अंदर क्या है, तो सबसे पहले बता दें प्यारे बच्चों, 75 स्कूल्स के स्टूडेंट्स को लिया गया। ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट्स को लिया गया, और मतलब 75 स्कूल स्टूडेंट, उसमें से 10 एक स्कूल से, टोटल 750 स्टूडेंट्स के द्वारा मिल करके एक सेटेलाइट बना गया है, जिसको हम लोगों ने कहा था अभी यहाँ पर आजादी सेट। ठीक है, देखिए इन सारे गर्ल्स के द्वारा मिल करके इनको बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि आप कॉलेज लेवल में आ चुके हैं, फिर भी आपको स्पेस के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये स्कूल लेवल की जानकारी है, कैसे इकट्ठा कर ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ टीचिंग फैकल्टी, टीचिंग मेथड और टीचिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, ये वीमेन एम्पावरमेंट करता है, छोटे छोटे गांव में जो बच्चियां होती है, लड़कियां होती हैं, उनको इसमें जोड़ा गया है, ताकि वो लोग भी साइंटिस्ट के जैसा छोटा छोटा आविष्कार कर सके, और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इसरो ने इनको एक्सेप्ट करके अंतरिक्ष में भेजने का काम किया है। ठीक है, सो ये सेटेलाइट था, देख सकते हैं आप लोग, इसका नाम रखा गया आजादी सेट। ठीक है, आजादी सेट, और इन सबों के मदद से मिलकर के बनाया गया है। दूसरा जो एसएसएलवी में भेजा गया प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। ठीक है, क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। ठीक है ना, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट करता क्या है बता दीजिए आप लोग, अर्थ को ऑब्जर्व करता है, मौसम विभाग की जानकारी देता है ना, मेटलर्जी खनन में करने में कहाँ पर क्या है इसके बारे में जानकारी देता है, कौन सा जमीन पर सोना निकलेगा, कहाँ लोहा है, कहाँ किसका खदान है, इस टाइप की जानकारी भी देने का काम करता है। तो ये दूसरा है हमारे पास, एक तो पहले भी मौजूद था। ठीक है, और बता दें जैसे ही एसएसएलवी का नाम लिया गया था 2018 में बच्चों, चूंकि पैंडेमिक के कारण से बहुत सारा काम को डिले किया गया, 2018 में इसको जो है सो बनाने का सोचा गया था, सो 2018 में सोचा गया था बनाने का, उसके बाद तुरंत 2018 में ही अमेरिका के एक स्पेस एजेंसी है, जिनका नाम अभी हम भूल जा रहे हैं, ठीक है, नाम यहाँ पर लिख देंगे, टाइप करवा देंगे,
तो उनका एक स्पेस एजेंसी अमेरिका में, उन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। मतलब ये बन के तैयार भी नहीं हुआ है और सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, पैसा आने का चांस बढ़ रहा है। इंडिया में साइंटिस्ट जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम सारे लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग भी साइंटिस्ट बनने की कोशिश करेंगे, हम लोग भी छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हमारे देश को फायदा होगा। इसके लिए हम लोग साइंस की दुनिया में जितना कुछ कर सकते हैं मैक्सिमम हम लोग करने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो इसमें क्या है कि देखिए, हमारे पास जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है वो ये हमारे पास जो अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करता है, देख सकते हैं ये आप, ये अलग अलग सेटेलाइट है, ठीक है ना, इसको ऑब्जर्व करने का काम यहाँ पर किया जाता है। ओके, सो आज का क्लास, आज का जो भी हमारा लेक्चर था, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं ये कमेंट करके बताइएगा, और आपके इस काम में हम आपका क्या मदद कर सकते हैं जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियो।